द मनी डिमांड फंक्शन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी डिमांड जी स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि मनी डिमांड क्या है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं हमने उसमें देखा प्राइस लेवल कैसे अफेक्ट करता है इनकम कैसे अफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट नॉमिनल रियल और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और इस तरह की चीज़ें वेल्थ और बाकी तो वो सारा एनालिसिस जो था वो एक तरह से एक क्वालिटेटिव एनालिसिस आप उसे कह सकते हैं उसमें हम ये देख रहे थे कि प्राइस के चेंज होने से मनी डिमांड में किस तरह, किस डायरेक्शन में अगर प्राइस बढ़ती है तो हमने कहा कि जी मनी डिमांड भी बढ़ जाएगी अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमने कहा कि जी मनी डिमांड कम हो जाएगी इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी वेल्थ बढ़ती है तो इस तरह से जस्ट हमने ये तो तय समझ लिया कि इन दोनों के रिलेशनशिप की, की डायरेक्शन क्या है ये तो हमने समझ लिया कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है लेकिन हमें समटाइम्स इससे ज़्यादा एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की भी ज़रूरत होती है कि हम एग्जैक्टली ये देख सकें कि कोई एक फैक्टर जब चेंज होता है फॉर एग्जांपल प्राइस अगर चेंज होती है तो उसका इम्पेक्ट मनी डिमांड पर हम उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि उसका इम्पेक्ट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है इसी तरह इनकम का या इंटरेस्ट रेट का इम्पेक्ट मनी डिमांड पर इम्पैक्ट तो हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कम हो जाएगी लेकिन वो कितनी कम होगी वो इम्पेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग कितना है तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इसको हम कैसे देख सकते हैं तो इसको देखने के लिए जाहिर है हमें इकानोमेटिक एनालिसिस करना होगा ओके okay? तो उस एनालिसिस की बेसिस पर फिर हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये कितने वीक हैं तो इस इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं इलास्टिसिटीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो उसके हवाले से हम बात करेंगे आप तो फेमिलियर हैं इलास्टिसिटीज़ से मुराद क्या होती है कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान एक आ, बताती है कि रिलेटिव या परसेंटेज चेंजेस का रिलेशनशिप बताते हैं तो आप फेमिलियर हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये अगर प्राइस में एक परसेंट इजाफा होगा तो डिमांड में कितने परसेंट कमी आएगी तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे अपने मनी डिमांड फंक्शन के लिए ओके okay. सो so, एक डिटर्मिनेंट हमने स्टडी किया जो इम्पॉर्टेंट है इनकम इनकम आपकी मनी डिमांड को डिटर्मन करता है इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ जाती है ठीक है तो अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चाहें कि इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड कितनी बढ़ती है तो जब हमने इसको एम्पेरिकली और कानोमेटिक मॉडल से हमने इसको किया तो ये हमारे सामने आई बात कि एक तो इलास्टिसिटी ऑफ़ मनी डिमांड जो है ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड का मतलब क्या होगा कि अगर इनकम एक परसेंट बढ़ती है तो मनी डिमांड कितने परसेंट बढ़ेगी ये इसका मतलब है तो एक तो ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव है कि इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ेगी और दूसरा पता चल रहा है कि इट इज़ लेस दैन वन इनकम अगर वन परसेंट बढ़ती है तो मनी डिमांड विल इंक्रीज बाई लेस दैन वन परसेंट और और कुछ स्टडीज हमने की तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि इनकम इलास्टिसिटी इज टू बाई थ्री टू बाई थ्री का मतलब ये है कि अगर आपका इनकम सपोज थ्री परसेंट बढ़ती है इनकम में अगर इजाफा थ्री परसेंट होता है तो मनी डिमांड में कितना इजाफा होगा टू परसेंट ठीक है इनकम अगर थ्री परसेंट बढ़ती है तो मनी डिमांड ज बाई लेस दैन थ्री परसेंट रही तो हम पहले जानते थे लेकिन इस वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly वो कितनी बढ़ेगी सो मनी डिमांड विल इंक्रीज बाई टू परसेंट इफ़ दिस इंकम इलास्टिसिटी इज़ टू बाई थ्री इसी तरह से सेकेंड डिटर्मिनेंट था इंटरेस्ट रेट क्या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कम हो जाती है तो वो कितनी कम होती है इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड के साथ कितना स्ट्रॉन्ग या वीक रिलेशनशिप है इसको क्वांटिफाई करने के लिए जब एम्पेरिकली इकोनोमेटिक मॉडल से इसको क्वांटिफाई किया गया और इसको एस्टिमेट किया गया तो उससे जो बात सामने आई एक तो ये कि ये इलास्टिसिटी स्मॉल है और दो सेकेंडली ये कि ये नेगेटिव है नेगेटिव तो हम जानते थे हम पहले भी इसको बात कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट से मुराद यह कौन सा इंटरेस्ट रेट है ये नॉन मोनेट्री एसेट्स जो मनी के अलावा बाकी एसेट्स हैं नॉन मानीट्री एसेट्स उनका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगी तो ये नेगेटिव है और एम्पेरिकली हमें ये पता चला कि ये स्मॉल भी है सो द हायर इंटरेस्ट रेट ऑन एस्टर रिड्यूस द मनी डिमांड स्लाइटली स्मॉल है और इसकी जो नमेरिकल एस्टिमेट्स हमारे पास आए मुख्तलफ स्टडीज़ में तो नेगेटिव और एक फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर है पॉइंट वन इलास्टिसिटी जो है कौन सी वाली हम बात करें इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड कि अगर इंटरेस्ट रेट एक परसेंट बढ़ता है तो मनी डिमांड कम होगी कितने परसेंट पॉइंट वन परसेंट कम होगी ओके ये नंबर कम है लेकिन इसमें बाद अब हम एक स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक कर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट था और वो बढ़कर सिक्स परसेंट हो गया तो ये इंटरेस्ट रेट में कमी सॉरी फाइव से बढ़कर सिक्स परसेंट हो गया ये इसमें जो इजाफा हुआ ये इजाफा वन परसेंट का इजाफा नहीं हुआ ठीक है ये वन परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हुआ है कि फाइव परसेंट से वो सिक्स परसेंट हो गया ना एक परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया लेकिन अगर आप इसको परसेंट में देखना चाहेंगे तो फाइव परसेंट का सिक्स होने का मतलब यह कि उसमें ट्वेंटी परसेंट इजाफा हो गया ठीक है ये ये कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करना है कि परसेंटेज पॉइंट और परसेंट ये दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट था सिक्स परसेंट हो गया इट्स ओके okay. उसमें वन परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हो गया लेकिन वन परसेंट का इजाफा नहीं हुआ ठीक है परसेंट के, का इजाफा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि वो सिक्स माइनस फाइव ओवर फाइव वन ओवर फाइव ओके देट इज़ पॉइंट टू या ट्वेंटी परसेंट सो ये इजाफा ट्वेंटी परसेंट का तो अगर आपने ये देखना है कि जी इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट से बढ़कर सिक्स परसेंट हो गया इसका इम्पेक्ट मनी डिमांड पर क्या होगा और मनी डिमांड इलास्टिसिटी की वैल्यू ये पॉइंट वन है तो फिर आप इसको ट्वेंटी परसेंट से इजाफा करेंगे तो इसका आंसर आपके पास टू परसेंट आ जाएगा कि जब इसमें इंटरेस्ट रेट में ये इजाफ़ा हुआ फाइव परसेंट से सिक्स परसेंट पर जो एक्चुअली ट्वेंटी परसेंट इजाफा था इसके नतीजे में मनी डिमांड में कमी आएगी हाउ मच बाई दिस टू परसेंट उसमें कमी आएगी तो इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी को भी जब देखा गया तो ये रिलेशनशिप हमने पहले भी इस पर बात किया कि ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप सामने आया कि जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं जिस प्रोपोर्शन से उसी प्रोपोर्शन से मनी डिमांड बढ़ जाती है प्राइसेस डबल होती हैं तो मनी डिमांड भी डबल हो जाती है तो आज हमने उस सारी पहले वाली बहस को उसको इस अंदाज़ से देखा कि क्वान्टिटेटिवली हम कैसे इसको देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग हैं या वीक है तो हमने उन रिलेशनस को क्वान्टिफाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस Elasticities concept. Thank you.